केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां उन्होंने दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गांव में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान रामदेवपुर गांव में केंद्रीय मंत्री की चौपाल में रिटायर्ड शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने पहुंचा। इस दौरान एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक उनके पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे। उन्होंने शिकायत किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है। वो अपने पैसे के लिए कई महीनों से DIOS ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। शासन ने रिटायर्ड शिक्षकों को सरकारी स्कूल में रखने का आदेश जारी किया था, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की शिकायत पर स्मृति ने DIOS को फोन मिला दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि रिटायर्ड शिक्षकों की जो मांग है उसका समाधान नहीं हो रहा है। योगी सरकार लोगों की मांगे पूरी कर रही है, आप ऑफिसर होकर कागज की कमी की बात कर उनकी मांग पूरी नहीं कर रही हैं। स्मृति ने कहा, मैंने आपसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया है। आप मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न करके अपने हिसाब से अपने नियम डाल रही हैं, ये कैसे होगा? उन्होंने कहा, यह अमेठी है जहाँ एक एक गाँव का आदमी अपनी सांसद तक पहुँच जाता है। मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ टीचर्स की ओर से। आपको भी बताएं कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप, इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, अगर आपके सांसद के यहाँ से फोन आके आप 10 मिनट मुझे शिक्षक कितना खराब है ये बता रहे हैं या उनको कितनी गलत फहमी हो रही है बता रहे हैं, तो आप इनका तो क्या हाल करती होंगी। और थोड़ी तो दया, क्या उम्र है आपकी रीता जी? 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है, आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली, तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो इस 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए, योगी की सरकार भी देना चाहती है, गतिरोध मत बने। स्मृति ईरानी ने DIOS से कहा, जब आप सांसद से 10 मिनट से बहस कर रही हैं तो 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का क्या हाल किया होगा। स्मृति ईरानी ने फोन पर DIOS से कहा कि योगी सरकार भी चाहती है कि लोगों को उनका हक मिले, इसलिए आप रिटायर्ड शिक्षक को उनका हक जल्द से जल्द दीजिए। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी 2 दिन के अमेठी दौरे पर आई है। दौरे के पहले दिन 28 दिसम्बर को उन्होंने थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक का फीता काट कर उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने गौरीगंज के जवाहर विद्यालय मैदान में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किया।